शीनम, लड़कों का जो प्रतिशत है वो 86% है और एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मार ली है, क्योंकि जो लड़कियों का रिजल्ट है वो 93.34% रहा। शीनम, लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली, और ऐसे हम देखते हैं कि पहले भी कई रिजल्ट आए हैं जहां पर लड़कियों का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा रहा। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, लड़कियों ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, और लड़कियों की परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले काफी बेहतर यहां पर दिखी है, और पहले भी कई बार ऐसा रिजल्ट्स में देखा गया है। फतेहपुर की दीपिका सेकंड आई हैं, सीतापुर की नव्या सिंह थर्ड टॉपर हैं, और 89.55% छात्र कुल मिलाकर पास हुए हैं। तो थोड़ी देर पहले निराश जरूर थे छात्र, क्योंकि साइट नहीं खुल रही थी, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही थी, अपना रिजल्ट लोग चेक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब साइट भी खुल गई है, और जो पूरे साल भर की मेहनत है वो जिन छात्रों की आज रंग लाई है, क्योंकि साल भर छात्र इसीलिए मेहनत करते हैं कि आज के दिन वो सेलिब्रेट कर सकें। अब मैं जल्दी से अपने दर्शकों के लिए बता देती हूँ कि कैसे वो चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं अपना रिजल्ट, आपको जाना है यूपी बोर्ड की आधिकारिक साइट पर, जो कि upresults.nic.in है। इस साइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 3 सर्वर यहां पर आपको मिलेंगे, सर्वर लिंक 1, 2 और 3, ताकि बहुत ज़्यादा जब साइट पर लोड बढ़ जाए तो कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए ये इंतज़ाम किया गया है कि 3 सर्वर बनाए गए हैं। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ये आपके पास खुल जाएगा पेज, जिसमें आपको 10-डिजिट रोल नंबर अपना एंटर करना होगा। उसके बाद स्कूल का कोड आप लिखेंगे, जो कि आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। जिसके बाद एक कैप्चा कोड आएगा, इस कोड को आप बॉक्स में टाइप करेंगे। सबमिट करने के साथ ही आपकी जो पूरी मार्कशीट है वो आपके सामने होगी, आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी आप ले सकते हैं, और प्रिंट करने के बाद में जाकर स्कूल से अपनी जो मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट है, वो ले सकते हैं। तो अब छात्रों के लिए आसान हो गया है। अभी तक मैं कहूंगी कि बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने रिजल्ट चेक भी नहीं किया होगा, और वो बातचीत भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए अलग अलग जगहों से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले उन्हें रिजल्ट चेक करना है और आज के दिन सेलिब्रेट कर सके, इसीलिए पूरे साल मेहनत की थी और आज उनकी मेहनत। बिल्कुल, देखिए साल भर की जो मेहनत होती है उसके बाद में बेसब्री से सभी को इंतजार होता है, कई बार नर्वस भी नजर आते हैं स्टूडेंट। शीनम आपको जानकारी दे रही थी कि कैसे आप अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब चलिए हमारे नितिका के पास में चलते हैं। नितिका, अगर आपके आसपास अभी भी कुछ स्टूडेंट मौजूद है तो जरा उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि साल भर की मेहनत के बाद में और जब रिजल्ट आता है, अच्छा आता है, तो जो बच्चों के चेहरे पर खुशी होती है वो देखने लायक होती है। बिल्कुल, खुशी है, इस समय मिक्स्ड इमोशंस का यहाँ पर सीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अभी अभी जो स्ट्रेस है उससे रिलीव हुए हैं। यहाँ पर मिठाइयों का इंतजाम कर दिया गया है, माले मंगा लिए गए हैं, और अब बस सेलिब्रेशन की देरी बाकी है। बात कर लेते हैं स्टूडेंट से, क्या नाम है आपका? विभा बाल। कैसा रहा रिजल्ट? अच्छा ही था, एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक ही था। क्या आया परसेंटेज? 96%। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आप भी आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, नाम बताइए। आराम गौतम। कैसा रहा रिजल्ट? अच्छा रहा, बहुत अच्छा। जो सोचा था उससे ज्यादा रहा? हाँ, उससे ज्यादा रहा। क्या परसेंटेज? 96। घर पे बता दिया आप लोगों ने? घर पे बता दिया? हाँ, बताया पापा को। क्या क्या रिएक्शन रहा मम्मी का? पापा का रिएक्शन लाइक हाँ, ठीक ही है, ठीक ही है। चलिए, क्या कहा घर वालों ने, क्या कहा रिजल्ट? अभी मेरी घर वालों से बात नहीं हुई, मेरे मम्मी पापा गाँव में रहते हैं, नानी रहती है, तो मैं अभी जाऊँगा वहाँ पर। कुछ प्रॉमिस वॉमिस लिया था कि नहीं, कि 90% अबव आएंगे तो ये गिफ्ट चाहिए? लिया था। क्या मिलने वाला है? पता नहीं, पापा डिसाइड करेंगे। अच्छा, किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? अच्छी तरीके, सब लोग, सारे टीचर्स ने हमारी मदद की, हर प्रत्येक टीचर्स ने बहुत अच्छे हम लोग को गाइडेंस दी, उसी उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ आए, कि सर भी थे तो यहाँ पे टीचर्स भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते। तो देखिए, काफी ज्यादा खुश नजर